महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से ही तमाम विपक्षी खेमा निशाना साध रहा था बीजेपी पर और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे के फैसले पर। हर किसी की यही राय थी कि ये सरकार बन तो रही है लेकिन बहुत जल्द गिरती भी नजर आएगी। इसके पीछे के कुछ मुख्य कारण भी बताए गए थे। जी हाँ, आप सभी को याद दिला दें, जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा शिंदे गुट और उद्धव गुट को लेकर, असली शिवसेना के मामले को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए शिंदे गुट और साथ ही साथ उद्धव गुट को फटकार लगाई थी। जी हाँ, शिंदे गुट को लेकर तो ये तक कह दिया था कि हमने 10 दिन के लिए सुनवाई क्या टाली, आपने तो सरकार बना ली, आपने शपथ ले लिया, आपने कई बड़े फैसले भी ले लिए, ऐसी बातें करते नजर आया था कोर्ट। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी खबरें निकल कर सामने आई कि चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव गुट ने यहाँ पर थोड़ी मांग की थी। तो वहीं दूसरी तरफ ये बात भी कही थी कि जो शिंदे गुट के 39 विधायक हैं वो अयोग्य हैं, और ऐसे में जो कपिल सिब्बल थे विपक्ष के, कहीं ना कहीं जो एकदम बातचीत रख रहे थे अपने डंके की चोट पर, उन्होंने ये तक कह दिया था कि एकनाथ शिंदे को या तो किसी पार्टी में विलय करना होगा या खुद की नई पार्टी बनाकर आगे चलना होगा। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो एकनाथ शिंदे की शुरुआत से सोच शिवसेना को लेकर ही रही है। जी हाँ, अगर शिवसेना का साथ छोड़ वो बीजेपी के साथ या किसी नई पार्टी को बनाते हैं तो ये बात जनता के बीच गलत मैसेज के तौर पर जाएगी कि उन्होंने पद की लालसा में शिवसेना को छोड़ दिया है। आपको याद दिला दें, जब बगावत करके एकनाथ शिंदे गए थे शिवसेना से यानी उद्धव गुट से, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को छोड़ा है, शिवसेना को नहीं छोड़ा, शिवसेना में आज भी हूँ और शिवसेनक आज भी हूँ, ये बात करते नजर आए थे। बाला साहब ठाकरे के साथ की तस्वीर उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाई। तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, तमाम विपक्षी नेता लगातार एक के बाद एक निशाना साध रहे कि यह सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी। आदित्य ठाकरे ने तो ये तक कह दिया था कि लगातार शिंदे जाते हैं दिल्ली और फोटो क्लिक कराकर बस आ जाते हैं, कोई फैसला होता नहीं है। लेकिन इस बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर भी खबरें सामने आ गईं, जहां पर कुछ बड़ी जीत भी हुई शिंदे की और कुछ हार भी होती देखने को मिली। क्योंकि जब एकनाथ शिंदे को सीएम पद तक दे दिया गया, वो भी सिर्फ 39 विधायकों के समर्थन के बाद भी, तो इस बात को लेकर कयास लगाए जाने लगा कि आखिर बीजेपी इतना क्यों मेहरबान है शिंदे पर, इस बात को लेकर हर कोई सोच रहा था। लेकिन तमाम जानकारी ये सामने आई कि बीजेपी पद की लालसा नहीं बल्कि व्यक्ति के विचारों की लालसा की भूखी होती है। उनको विचार जो जनता के लिए सही लगते हैं उस शख्स को आगे बढ़ा देती है, और इस समय शिंदे से बेहतर उन्हें नहीं नजर आया। देवेंद्र फडणवीस को इसलिए बड़ा झटका लगा और डिप्टी सीएम पद उन्हें मिला। लेकिन कोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई 22 अगस्त को होगी, ऐसी खबरें सामने आई हैं। लेकिन इससे पहले तमाम जानकारियां जो है, यह कहा जा रहा है कि या तो ये शिंदे के विधायक अयोग्य साबित होंगे या इनको सरकार विलय करना होगा या नई पार्टी बनानी होगी। इसी के साथ साथ तमाम जानकारियां एक के बाद एक सामने आई जा रही हैं जो थमने का नाम नहीं ले रही। तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी इस बात पर निशाना साध रही है कि देखिए, कैबिनेट विस्तार होते ही कुछ विधायकों की नाराजगी भी सामने आ गई, और यही नाराज विधायक, जी आपको जानकारी दे दे, सबसे बड़ी कि जो विधायक शिवसेना में जो बड़े बड़े पद पाए हुए थे मंत्रिमंडल के अंदर, वही पद उन्हें दोबारा मिलते नजर आए, बल्कि कुछ पद कम भी कर दिए गए, ऐसी खबरें सामने आई हैं। यानी कि विधायकों ने बगावत करी अगर शिंदे के साथ मिलकर, तो विधायकों का कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा सबसे बड़ा हुआ एकनाथ शिंदे का, क्योंकि वो सीएम बन गए। लेकिन जो शिवसैनिक होते हैं वो पद की लालसा में काम नहीं करते, ऐसा शिंदे गुट का लगातार कहना है। अगर यही सोच थी तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री क्यों बने, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन ये सारी बातें आने वाले वक्त के लिए रोचक हो सकती हैं, लेकिन सबसे रोचक इस समय यही मामला है कि क्या सरकार गिरती नजर आएगी, क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होगा, क्या मध्यावधि चुनाव होंगे। जिन तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई को टालते जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है, क्या महाराष्ट्र में फिर से सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, और इस बार बने तो किसकी सरकार बने, अपनी राय खोलकर रखेगा। लेकिन देखा जाए तो महाराष्ट्र की जनता ने अब तक शिंदे फडणवीस की सरकार को सही ठहराया है, और कहीं ना कहीं जनता ने इन्हें स्वीकार कर काफी प्यार भी दिया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।